हेलो एवरीबॉडी, और सबका वेलकम है यार इस ट्यूटोरियल में। आप सब हो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैंने अभी पोस्ट डाली है अपनी अल्फा कंसेप्ट की, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वो देख सकते हैं। और प्लीज़ शो सम लव, शेयर कर सकते हैं पोस्ट को कि मेरी रीच अच्छी हो यार, और मैं बेटर से बेटर पोस्ट डालूँ और अच्छे अच्छे आपको कंटेंट देता रहूँ। सो इस बार ट्यूटोरियल्स में थोड़ी डीले हो गया क्योंकि थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी। तो यार कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता मैं, और स्ट्रेट टू द टॉपिक बात करते हैं। तो टॉक्सिक कॉन्सेप्ट, ये इंस्पायर्ड था म्यूटेंट, और एक फ़ोटो देखी थी मैंने इंटरनेट पे, जस्ट वायरल थी वो, तो मैंने उस टाइप का बनाने का सोचा था। तो उसमें हजार्ड के ऊपर था, तो मैंने टॉक्सिक पे बनाया। जस्ट सेम कंटेंट को ही मैंने फॉलो करा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपनी क्रिएटिविटी को घुसेड़ दी है बीच में हल्की सी, तो जस्ट डिफर करा है। ओरिजिनल दिखा देता हूँ मैं इसकी। सो ओरिजिनल ये है, घर पे क्लिक कर रखी है मैंने जस्ट एक बैकग्राउंड पे, और सिंपल कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना चेंज आ गया है। सो बेसिक टू बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैंक लेयर चाहिए आपको, कोई एक आपके आइडिया होना चाहिए माइंड में जब आप ऐसे नियॉन कंसेप्ट बनाते हैं कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्रिएट करा टॉक्सिक वर्ड। तो टॉक्सिक वर्ड को मैंने यूज़ करा एज अ बैकलाइटिंग की है, पीछे से ग्लो होए। तो बहुत बंदों को ग्लो नहीं आता है यार। इसके ऊपर मैंने अराउंड 10 से 12 ट्यूटोरियल कर रखे हैं अपने चैनल में, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नहीं देखने का मन तो यार मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि आपके लिए ईजी रहेगा। और कई बंदे यार मुझे DM कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़ोन बेटर है कि या PC बेटर है। तो यार फ़ोन में आप डिटेल्ड वर्क नहीं कर सकते ज़्यादा। अगर आप पे फ़ोन है यार, मजबूरी है आप पे कि आपको फ़ोन में ही करना है, तो यार आप पे कोई चॉइस नहीं है, आपको डिटेल वर्क फ़ोन में ही करना पड़ेगा। अगर मेरे को कहा जाए कि मैं फ़ोन में एडिट करूँ, तो यार 100% है मैं फ़ोन में भी ऐसे ही एडिट करूँगा जैसे मैं कंप्यूटर पर करता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिक रूल्स पता है और एडजस्टमेंट मेरे पे जो यहाँ पे हैं यही फोटोशॉप के अंदर भी हैं और आपके पिक्सआर्ट के अंदर भी है। अगर आप पिक्सआर्ट एज अ डिफॉल्ट मानते हैं कि आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक वर्ड लिया है टॉक्सिक, और टॉक्सिक वर्ड यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव होना है आपने कि आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट आप चेंज नहीं कर पाएंगे इतना, क्योंकि जब इस पे आप ग्लो क्रिएट करेंगे ना, तो वो फिक्स वर्ड का ही होगा। ग्लो कैसे क्रिएट करेंगे, इसी को Command J, ठीक है, और फिर इसी लेयर को आप रेस्टराइज कर सकते हैं, रेस्टराइज टाइप कर सकते हैं, ठीक है, तो रेस्टराइज हो जाएगी यहाँ पे, ऐसे PNG बन जाएगी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। तो फिल्टर में जाना है, फिर ब्लर, फिर गॉसियन ब्लर, और इस टाइम आप 25 का चुन सकते हैं। तो 25 आपको एक सडल ग्लो देगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे सडल ग्लो आया है बिल्कुल, ठीक है। फिर इसी को डुप्लीकेट कर देना और फिल्टर में जाना, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और आपने 25 दिया है तो इस बार ट्राई करें 50, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करें। अब थोड़ा ग्लो सही लग रहा है, लेकिन अब मेरे को 50 से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये एमिटिंग लाइट है, मतलब यहाँ से ग्लो आ रहा है। तो मैंने डायरेक्ट 50 से 150 तक जो जंप कर दिया है, और रैंडमली रेडियस के साथ प्ले करके देखा है कि जो मेरे को बेस्ट लगेगा। मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि 200 परफेक्ट है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, और जो आपको ग्लो अच्छा लगे इसी के साथ ऐसे प्ले होएगा और ग्लो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ग्लो क्रिएट कर रखा है, मैंने सिंगल लेयर में कर रखा है, मैंने मल्टी लेयर वाला ग्लो नहीं डाला है यहाँ पे, वो मर्जी है आपकी, चाहे आप मल्टी लेयर में करें चाहे ना करें। अब यहाँ बात आती है कि मुझे स्मोक भी चाहिए था इसके पीछे। टॉक्सिक वर्ड लिखा हुआ मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ स्मोक भी डाला है। अब स्मोक यार मेरा कलर्ड आया है, ठीक है, आप सबको वो रहेगा कि यार कलर्ड कैसे हो गया। तो यहाँ कलर ओवरले में आप जाएंगे और यहाँ पे जस्ट आपने ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, कलर ओवरले में जाएंगे आप, जो भी कलर का यहाँ ये चुनेंगे स्मोक उसी कलर में चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्सआर्ट में ऑप्शन जल्दी नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ फोटोशॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा मुझे ग्लो मिल गया है। फिर उसके बाद मैंने स्मार्ट फिल्टर, आउटर ग्लो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन आउटर ग्लो थोड़ा ज़्यादा बेकार हो जाएगा, मैंने ट्राई आउट करा था। और स्मार्ट फिल्टर से फिर मैंने गॉसियन ब्लर 8 का डाला है कि वो स्मोक वर्ड के पीछे दिखाई दे, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस।
विदाउट ब्लर और ब्लर के साथ, ठीक है। तो यहाँ वर्ड मेरा रेडी हो चुका है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, तो अब मैं डायरेक्ट प्लेस करता हूँ अपने आप को और बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। अगर आप किसी एंगल से भी सोचे तो यार वो फोटो नहीं बन सकती है। एक बार अगर आप इसे देखें, और ये तो इमेजिन नहीं होती फोटो की जब बनती है, मेरे को खुद इतना इमेजिन नहीं हो पाता। तो उसके बाद जस्ट मैं कर्व्स के साथ ज़्यादा प्ले करता हूँ, तो कर्व्स बहुत मेन है। तो यहाँ कर्व से मैंने अपने आप को कर दिया डार्क। डार्क करने का बहुत सबसे सिंपल तरीका है, आपका कर्व्स यहाँ पे आओगे, बस इसे स्लाइड करें नीचे ले आना आप, और कुछ आपको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। डार्क अच्छे से हाईलाइट शेडो सब को कर देता है डार्क, तो ईजिली है ये तरीका, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद मैंने उसी के ऊपर लेयर क्लिप कर रखी है और ब्रश से पेंट कर रखा है। तो सिंपल यार, ब्रश से पेंट करना आपको नहीं आता हो तो ये देख लें, ब्रश में जाना है, कोई भी लेना है अपने कलर, ठीक है, और सिंपल थोड़ा हार्डनेस जीरो रखनी है बस। और फिर यहाँ कर देता हूँ क्योंकि वो हिडन लेयर है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं, धीरे धीरे अगर मैं पेंट करूँगा तो यहाँ ब्लू ग्लो भी बना दूंगा मैं, ठीक है। क्लिपिंग का फ़ायदा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, तो जैसा ग्लो मुझे चाहिए होगा मैं वैसा क्रिएट कर सकता हूँ, कोई इसमें दूसरा रूल या हाथ नहीं है, ठीक है, जो भी आपके सामने कर रखा है। और फिर उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा ग्लो ज़्यादा या कम करना है होने के बाद, तो अंडरलाइन लेयर्स आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप वो कैसे इफेक्ट कर रहा हो उस चीज़ को, ठीक है। तो एक मस्त बढ़िया सा पॉइंट आप ढूंढ ले जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरा ग्लो अच्छा है, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट सही लगा। अब उसके बाद मैंने ऐड करा एक मास्क, ठीक है। तो ये मास्क सिंपल सा था, मैंने नेट से पीएनजी निकाल रखे। अगर आपको पीएनजी चाहिए होगी तो, नहीं भी चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से निकाले। कई बंदों की लिंक नहीं खुल रही है यार, मैं हर रोज चेक करता हूँ वो लिंक कहीं बंद ना हुई हो, तो प्लीज़ आप उस लिंक पे जाएं, गूगल क्रोम से करें, और आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए उसे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने मास्क सेलेक्ट कर रखा है, ये देखिए मास्क ऐसे था, तो मैंने जैसे उसे मास्क कर रखा है कि वो टोपी के नीचे लगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे मास्क हो गया। अब मैंने कर्व से उसकी भी सेम वही नीचे कर रखा है, ब्राइटनेस को लो ले आया है कि मेरी बॉडी से मैच हो जाए। और फिर उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे एक पेंट कर रखा है, जस्ट पेंट मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ ग्रीन कलर पेंट कर रखा है, ये मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊँगा, अभी इस कंटेंट को थोड़ा स्किप करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के लिए अभी। तो यहाँ अब मैं आ जाता हूँ ग्लो की तरफ सबसे पहले। तो यहाँ ग्लो बनाना बहुत इजी है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा मास्क विद ग्लो मैं आपको दे दूँ कि पीएनजी एज यूज़ करें तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन ग्लो मैं बता देता हूँ आपको एक क्रिएट करना कैसे होगा, ठीक है, इजीली आप समझ भी जाएंगे। तो बाकी ग्लो मैं कर देता हूँ बंद। कौन सा वाला सही रहेगा आपके लिए ग्लो बताना? ग्लो टू बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा साइड में है और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो लेयर्स हैं वो है सिंपल, मैंने एक पेन टूल लिया, पेन टूल अगर आपको नहीं चलाना होता तो पेन टूल लेना है, और जस्ट एक मार्क ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, कर्व ड्रॉ हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, सॉरी यार, सो राइट क्लिक करते ही यहाँ आपका स्ट्रोक पाथ आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करेंगे, फिर सिमुलेट ब्रश प्रेशर एंड ओके करेंगे। तो जो भी आपने ब्रश यहाँ पे सेटिंग दे रखी होगी, जितने साइज का ब्रश होगा उतने ही साइज का यहाँ पेंट हो जाएगा। अगर 300 है तो देखिए आप 300 की वजह से हुआ है, अगर मैं इसे कम भी कर देता हूँ अराउंड 37 तक ले आता हूँ, और फिर मैं वापस से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और फिर स्ट्रोक करता हूँ, तो यहाँ देखिए बिल्कुल पतली सी लाइन बन गई है अब, ठीक है। तो ये आपके ब्रश सेटिंग पे डिपेंड करता है, और उसी की मदद से मैंने यहाँ सियान पेंट कर रखा है, सियान कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें ये वाला, ठीक है, और फिर डायरेक्ट यहाँ पेंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना होगा आपको, इसी लेयर की कॉपी को जस्ट कॉपी करना है कमांड जी दबा के, तो ये एक डबल हो जाएगी और थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा ग्लो। अब उसके बाद मैंने यहाँ आई में ग्लो डाल रखा है, यही कॉपी करके जस्ट मैंने ऊपर पेस्ट कर रखा है और मास्क कर रखा है, देख सकते हैं आप, और ब्लर डाल दिया हल्का सा,
फिर उसके बाद मैंने एक आउटर ग्लो बनाया है, लाइक मैंने इसी लेयर को कॉपी करके और फिर इसमें फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर डाल रखा है 25-30 तक का, कि वो थोड़ा स्प्रेड आउट लगे। ठीक है, अगर मैं सिंपल बिना इसके रखता हूँ तो देखिए वहाँ कोई इफेक्टिंग चीज़ नहीं लग रही है, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो वो इफेक्टिंग लग रही है अब चीज़। तो वैसे ही ये बाकी सारी चीज़ें मैंने, ये बाकी भी ग्लो ऐसे ही बनाया इधर का और ये सेंटर में और ये। ठीक है, तो ये पूरा मास्क भी मैं वैसे ग्लो का डाल दूंगा कि आपके लिए इजी रहे, कि ये पूरा ही मास्क आप डाल सके अपनी फोटो में इजीली, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट वापस लाना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ ग्लो कर रखा था। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये जो ग्लोइनेस है वो मैंने यहाँ डाल रखी है जस्ट। ठीक है, और कुछ नहीं करा हुआ है यहाँ पे, कि ये ब्लू कलर इफेक्ट तो करेगा कहीं पे जब ग्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे इफेक्ट कराया है। और ये सिंपल बस मैंने ब्रश में गया और ओपेसिटी कर दी 10% की, और जस्ट धीरे 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 पेंट कराया, और कुछ नहीं है इसमें अलग। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये ग्लो कंप्लीट हो गया फेस तक का, अभी अराउंड 40-45% हुई है फोटो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा और ग्लो बढ़ाया था यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है आप कितना ग्लो चाहते हैं, कहाँ कहाँ ग्लो चाहते हैं। ठीक है, अब इस लेयर से भी मैंने यहाँ यहाँ पेंट कर रखा है थोड़ा, यहाँ शेडो और ये सब बढ़ा रखी है आप देख सकते हैं। तो ये भी सिंपल ब्रश और ओपेसिटी आपकी 10% होनी चाहिए, और धीरे धीरे जब आप पेंट करेंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको तब भी करके, तो ये देखिए जब मैं धीरे धीरे पेंट कर रहा हूँ तो उस जगह पे अब ब्लू लाइट आ गई है। ठीक है, ओपेसिटी 10 बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको समझ में आती है तो, शेडोज क्रिएट करने में, और अच्छे ब्रश आप यूज़ करेंगे तो वेल एंड गुड है यार, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे शेडोज क्रिएट कर दिए मैंने इससे 10% वाले ओपेसिटी से। फिर उसके बाद मैंने टोपी के अंदर जस्ट जैसे मैंने ये एज पे कराया, मैंने यहाँ पे पेंट कर रखा है धीरे 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 धीरे, तो धीरे पेंट करना बेटर रहता है बजाय आप कुछ करें। ठीक है, ऐसे यहाँ धीरे 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 ऐसे ऐसे मास्क करके पेंट करते रहें, तो जब आपको एक अच्छी सी लाइन क्रिएट हो जाएगी वहाँ तक, तो परफेक्टली आपका फोटो ब्लेंड हो जाएगा वहाँ पे। अब ऐसा लग रहा है कि पीछे से भी लाइट आ रही है, तो टोपी को हिट कर रही है और यहाँ मास्क से लाइट जा रही है, तो यहाँ हिट कर रही है और ये यहाँ कर रही है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक स्मोक डाला यहाँ पे, और ये सेम स्मोक था जो यहाँ पे था पीछे। ठीक है, जस्ट मैंने उसका कलर चेंज कर रखा है, यहाँ पे कलर मैंने पिंक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये स्मोक आ गया और फिर दूसरा स्मोक इधर थोड़ा सा लेस फेडेड और इधर कलर कर दिया, इसका कलर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है। अब ये थोड़ी रेडी लग रही है इमेज मुझे फोटो के लिए। अब मेरे को चाहिए था कि ये सेंटर खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया जस्ट ऐसे ही, आप बना सकते हैं पॉलीगन लैसो से, तो ये ऐसे कुछ भी करके, और फिर स्ट्रोक कर सकते हैं आप 25 या 30 तक का। ठीक है, और स्ट्रोक करने के बाद जैसे ही ये ब्रश की फिनिश आएगी, इसके बाद मैं आपको ग्लो बताता हूँ कैसे होगा। फिर वही सेम तरीका, एक लेयर मैंने यहाँ डिवाइड की बना रखी है, कि मुझे सेंटर ना ब्लू नहीं चाहिए था, मुझे आउटर ग्लो ब्लू चाहिए था, तो मैंने डिवाइड बीच में डाल दिया बस ब्लेंडिंग मोड चेंज करके, और बाकी सब सॉफ्ट लाइट पे है और ब्लू, और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ ओवरले है क्योंकि नॉर्मल करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे कैसा लग रहा है भद्दा सा, ओवरले से थोड़ा ग्लोई ग्लोई दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पे 90% मेरी इमेज रेडी हो गई है, थोड़ा छोटा कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अब उसके बाद मैंने यहाँ एक मेन चीज़ करी है, वो है हाईलाइट्स। अब मैंने यहाँ हाईलाइट्स कैसे पता करी हैं, अगर आप स्टैम्प बनाना चाहते हो तो आप स्टैम्प बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है सेलेक्ट में और कलर रेंज में जाना है, और फिर यहाँ आना है हाईलाइट्स में। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी हाईलाइट सेलेक्ट हो, तो ये अपने आप यहाँ आपको दिखाएगा कि कौन सी हाईलाइट सेलेक्ट करें। फजीनेस से आप आगे पीछे जा सकते हैं कितनी हाईलाइट सेलेक्टेड हैं, और ओके करेंगे तो अपने आप हाईलाइट सेलेक्टेड कर देगा। ठीक है, अब जहाँ भी आपको लगता हो कि मुझे पेंट करना है हाईलाइट्स में, जैसे मैं यहाँ यहाँ पेंट कर देता हूँ एक रफ आइडिया के तौर पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ
अगर मैं हाइलाइट्स डालता हूँ तो कितना फर्क है, वो हर जगह हरा पेंट हो गया जहाँ मुझे हाइलाइट चाहिए थे, और मैंने अगर कम कर देना है तो ये देखिए कितना अच्छा और सडल ग्लो बना दिया इसने हाइलाइट्स का, और हाइलाइट्स पे पेंट हुआ है, कहीं हुआ नहीं है। और ये बहुत एक यूज़फुल टूल है, बहुत सारे फोटो एडिटर बताते नहीं है कि मैं हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करता हूँ, तो ये एक टिप है आपके लिए मेरी तरफ से, जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सेम तरीके से फिर मैंने ब्रश चेंज कर रखा है कि मैंने इधर ब्लू से पेंट, यहाँ पिंक से पेंट करा है, ऊपर ग्रीन से करा है, यहाँ से इधर का कलर सैंपल लेके पेंट करा है, तो कलर सैंपल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप पे सिलेक्शन है, ठीक है। और फिर जहाँ जहाँ आपको लगे एक्सेस है, जैसे यहाँ टोपी पे एक्सेस था तो मैंने उस पर मास्क डाल रखा है, और फिर उसके बाद थोड़े फ्लोटिंग स्टोन्स डाल दिए मैंने और उसे मास्क आउट कर दिया, नहीं तो ऐसे भेड़े लग रहे थे सामने मुंह के आ रहे थे तो बेकार लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने एक थोड़ा ब्रश सैंपल करके, ब्रश करके और सिंपल सॉफ्ट लाइट मोड में यहाँ पे रखा है कि इस कॉर्नर से लाइट आती दिखे, और इधर भी सेम मैंने टॉपिक फॉलो करा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेन एट द एंड में कलर ग्रेडिंग, सिंपल सी मैट कलर ग्रेडिंग करिए, मैट कलर ग्रेडिंग करिए, यहाँ आपको कर्व्स में आना है और यहाँ सेलेक्ट करके ये नीचे करना है और ये हल्का सा ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी मैट कलर ग्रेडिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी को मैट कलर ग्रेडिंग बोलते हैं, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कि कितनी ओपेसिटी कितनी ज़्यादा हो कम हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ ये रैप करता हूँ मैं टॉक्सिक कंसेप्ट को, होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं फोटोशॉप को, तो यार आप थोड़े बेसिक्स सीख लो, या आप मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं बेसिक से भी बताना चालू करूँ, कि बेसिक्स अगर मैं बेसिक एक ट्यूटोरियल में बताने बैठ गया तो कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बेसिक मैं स्किप कर देता हूँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि आप अच्छे एडिटर हो, लेवल पे हो, सो आप जैसों के लिए ये ट्यूटोरियल है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक हो तो यार आपके लिए भी मैं मेहनत कर सकता हूँ, और आपके लिए भी ट्यूटोरियल डालूंगा कि आप हर एडिटर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और ज़रूर चाहूँगा यार जो भी आप आर्ट क्रिएट करें, मेरे नाम को टैग करें और हैशटैग डाल दें, जिसका भी कंटेंट अच्छा बनेगा मैं ज़रूर अपने टाइमलाइन या इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करूँगा, डिपेंडिंग अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस यहाँ तक, और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करने का, थैंक यू गाइस।